बॉली के सबसे मुश्किल मैच में और आज का ये खेल हमेशा से भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि जीतने वाले अपनी जगह बनाएंगे सुपर लीग फाइनल में। सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले हफ्ते पहली जगह ले ली थी और वो इस वक्त बेशक इस गेम पर नजर बनाए रखे होंगे। कैसे खेल रहे हैं, हम तो अब तक 4 गोल्स कर चुके होते। सही कहा। ओह प्लीज डूड्स, ये गेम तो डिफेंडर्स ही चला रहे हैं। डिफेंडर्स? ओह तुम्हारा मतलब वो लोग जिन्हें मैं पीछे छोड़ता हूँ जब मैं गोल्स करता हूँ। ऑटोमेटिक को थ्रो का मौका मिला है, क्या यूनाइटेड को इस बात का फायदा होगा? मुझे नहीं लगता मैट, वो तो बॉक्स से काफी दूर है। ये ठीक नहीं हो रहा। फैसला हो गया, इनविंसिबल यूनाइटेड तो पूरे गेम पर छा गए और इसका पूरा श्रेय जाता है उनके नए स्टार प्लेयर ऑटोमेटिक को। हाँ, अगर सुपर स्ट्राइकर्स उसे रोकने का कोई तरीका नहीं निकालते, फाइनल में यूनाइटेड को मिल जाएगी ऑटोमेटिक जीत। हाँ हम तो गए समझो, पर तुम दोनों तो हवा में कुछ भी रोक सकते हो। हाँ तुम बस उसे हेडर से रोक देना, उस लॉन्ग थ्रो के आगे हेडिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? एक क्रॉस या कॉर्नर को रोकने के लिए ऊंचाई की जरूरत होती है, पर ऑटोमेटिक का थ्रो नीचे से और तेजी से आता है, तोप के गोले की तरह। अगर किसी ने भी उसे छू लिया, तुम्हारे अपने डिफेंडर्स ने भी, तो बॉल वापस नेट में चली जाती है। तोप के गोले की तरह। हाँ शायद मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। हाँ कोच, उस हेडिंग गुरु ने भले ही शेख की मदद की होगी, पर डिफेंसिव हेडिंग बहुत ही अलग होती है। भरोसा रखो दोस्तों, उनके तरीके थोड़े से अलग हैं। उनकी फैसिलिटीज ज्यादा हाईटेक नहीं है। एक्यूरेसी, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। पर जब हेडर्स की बात आती है तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता एल एरियाटे उर्फ खतरनाक भैंसे का। ठीक है, वो ट्रेनिंग सुनने में तो काफी कट्टर लगती है। काफी कट्टर? मैं ही एक प्लेयर हूँ जो उसमें पास हुआ है। शेख सही है, अगर कोई तुम्हें ऑटोमेटिक से निपटने के लिए तैयार कर सकता है तो वो है एल एरियाटे। तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ एक हफ्ता है उसका फायदा उठाना। शेख की बात याद है ना? हो सकता है वो हमारा इंतजार कर रहा हो, वो भी एक तोप के साथ। तो ठीक है, चलो एल एरियाटे को दिखा दें कि सुपर स्ट्राइकर्स का डिफेंस पूरी तैयारी के साथ आता है। सुपर स्ट्राइकर्स, हेडर ट्रेनिंग में तुम्हारा स्वागत है। ये लो एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग। इस चीज के लिए मैं तैयार नहीं था। अगर तुम्हें हेडर करना सीखना है तो तुम्हें 3 आसान चीजों में माहिर होना होगा। ताकत, एक्यूरेसी और गट्स। हेलो
शेख, एल एरियाटी की ट्रेनिंग तो सबसे बेकार है। ये जगह तो एक थीम पार्क है, एक टूरिस्ट स्पॉट, बस एक दिखावा। तुम्हें यकीन है ये वही एल एरियाटे हैं? क्योंकि मेरी की हुई ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी थी। शायद तुम फॉरवर्ड समझ ही नहीं सकते हो असली कट्टर ट्रेनिंग क्या होती है डूड। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो एल एरियाटे की कामयाबी की बुक में देख लो, उसमें सिर्फ मेरा ही नाम होगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हम भी उन डिफेंडर्स जितने ही कट्टर हैं। हाँ, दरअसल मैं तो इसी वक्त अपने स्पा जा रहा हूँ अपने सारे अकड़े हुए कट्टर मसल्स का मसाज करवाने। हाँ मैं भी चलूंगा, आज मैं ऐसा कट्टर ट्रीटमेंट करवाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। चलो डूड, हमने यहाँ काफी वक्त बर्बाद कर लिया। क्या कहा, असली ट्रेनिंग? कम ऑन, शेख तो कुछ भी बोल रहा था, मेरा मतलब उसे लगता है कि पूल में कूदना कट्टर होता है। अच्छा ठीक है ठीक है, हम वो बुक ढूंढेंगे। वैसे एल एरियाटी ने उसे कहाँ रखा होगा, अगर वो सच में है तो। और फिर हम करते हैं 300 पुशअप्स, एक मूस से लड़ाई और एक पहाड़ी पर चढ़ना, वो भी उल्टे पैर। हम लोग इतने कट्टर हैं। तो क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, मैंने पूछा था ब्लॉक और शो ऑटोमेटिक का थ्रो रोकने के लिए क्या करेंगे। वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीटा में। कुछ तो बात है, फाइनल से पहले कोच अपने डिफेंडर्स को छुट्टी मनाने के लिए भेज ही नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता विंस, हमारे पास वो है। हम हार नहीं सकते। गलत, ऑटोमेटिक का थ्रो हमारी जीत गारंटी करने का बस पहला कदम है। और दूसरा कदम क्या है? उन लोगों की तबाही, और क्या। वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीटा में। तो आईबीटा में है क्या? वो खतरनाक भैंसा। हुई ना कुछ बात। वो बुक, यकीन नहीं होता, सिर्फ शेख ने ही ट्रेनिंग पास की है। यहाँ आना सख्त मना है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम असली हेडर ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं, वो जो आपने शेख को दी थी। ये शेख को दी हुई ट्रेनिंग ही है, बस एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा कंट्रोल्ड माहौल में। हम सामना करने वाले हैं बेहद मुश्किल थ्रो का, हमें दुनिया की सबसे कट्टर हेडर ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें जरूरत है खतरनाक फैसे की। सॉरी, अब मुझ में वो बात नहीं रही। आपकी ट्रेनिंग इतनी कट्टर होती थी कि सिर्फ एक ही प्लेयर उसे पार कर पाया था। अब तो आप बस हर ऐरे गैरे को सर्टिफिकेट्स बांटते हैं। ब्रागो ब्रागो ब्रागो। हाँ, हमने कोशिश तो की। ठीक है हॉट शॉट्स, तुम्हें असली हेडर ट्रेनिंग चाहिए, तुम्हें वो मिलेगी। बहुत अच्छे हॉट शॉट्स। जब शेख की ट्रेनिंग की खबर बाहर फैली तो हर कोई सीखना चाहता था, और तुम दोनों की तरह वो पीछे ही पड़ गए। तो आखिरकार मैंने उनको वो दिया जो वो चाहते थे, पर मैं अपना मास्टरपीस तो पहले ही बना चुका था, वो जिसका मुझे लगा था मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा।
मेरी अल्टीमेट हेडर ट्रेनिंग। तो किसी ने इसे पास नहीं किया है? हाँ, किसी ने इसे देखा तक नहीं है। मुझे लगा था यहाँ नीचे आने वाले हम पहले लोग हैं। वो लोग नहीं हैं बच्चों, वो हैं तुम्हारे अपोनेंट्स। वेलकम टू सुपर लीग न्यूज फ्लैश, मैं हूँ रॉब रॉस। दोस्तों, एक तरफ जहाँ फाइनल से ठीक पहले शॉर्ट ब्लॉक कहीं गायब हो गए हैं, वो हिंसकारा इतना कॉन्फिडेंट है कि वो छुट्टी मनाने अभी था जा रहा है। वो हम जैसे कट्टर फॉरवर्ड्स का नाम मिट्टी में मिलाएगा। मैं तो सपने में ही छुट्टी मनाऊंगा। हाँ, या अगर मौसम अच्छा हो तो, या अगर कपड़ों पर सेल लगी हो तो। दोस्तों, छुट्टी तो सिर्फ एक बहाना है, इरादा कुछ और है। मेरी मशीन तुम्हें सिखाएगी उस बेहद मुश्किल थ्रो को डिफेंड करने का तरीका, अगर तुम हॉट शॉट्स इसके लिए तैयार हो तो। मैंने एक पीपे को इतना आसान गोल करते हुए पहली बार देखा है। तो फिर सिखाना शुरू कीजिए, हमें क्या करना है? डिफेंडर्स जैसा बर्ताव करना बंद करो, ऑपोजिशन को भूल जाओ, एक फॉरवर्ड की तरह बॉल पर हमला करो। किसी की मार्किंग नहीं करनी, पर ये तो हमारी सीखी हुई हर बात से उल्टा है। रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं। ओ, बंद है क्या यार? तो वो फेमस हेडिंग कोच कहाँ है? पता नहीं, वो तो आज छुट्टी पर है, या शायद कहीं प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहा होगा। चलो हॉट शॉट्स, मुझे लगा था कि तुम्हें कट्टर ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, तुमने कर दिखाया। अरे वाह। चलो अब चलते हैं ताकि तुम वक्त पर पहुंच जाओ सुपर लीग फन। क्या? सॉरी लूजर्स, पर इस बार के सीजन में तो जीत इनविंसिबल यूनाइटेड के ही कदम चूमेगी। अब क्या हॉट शॉट्स? तुम्हें लगता है हम कर पाएंगे? रागो, रागो। रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं। मेरा मतलब ऐसे रिस्क से नहीं था। मेरे दोस्त, मैं सही वक्त पर आ गया है ना? वापस आ गए। वेल वेल वेल, तो वो डिफेंडर्स आखिर आ ही गए। ये मत सोचना तुम्हारे अलावा किसी और ने कट्टर ट्रेनिंग नहीं की। हमें गर्म फुटपाथ पर चले बिना जूतों के, और खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट रुके और तैरने चले गए। और क्या तुमने ऑटोमेटिक के थ्रो को रोकने का तरीका सीखा? हाँ, हमने सीखा कि इसके लिए हमें बॉल पर अटैक करना होगा एक फॉरवर्ड की तरह। कहा था ना, हम फॉरवर्ड्स ही सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं। ब्लॉक और शॉ भले ही ऑटोमेटिक को रोक लेंगे, पर ट्रॉफी जीतने के लिए तुम सब की जरूरत होगी। एक, दो, तीन,
सुपर स्ट्राइकर्स। तो फिर मैंने कहा कि इस बार तो हम ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, इसीलिए जीत पक्की करने के लिए मेरे पास तीन कदम हैं। ऐसा क्या? तीसरा कदम क्या है? हमेशा हुक्म का इक्का अपने पास तैयार रखो। ठीक है, अब सुनो मिस्टर पीपे, मैं तुम्हें एक आखिरी मिशन दे रहा हूँ। सुपर लीग फाइनल में सबका स्वागत है, इनविंसिबल यूनाइटेड वर्सेस सुपर स्ट्राइकर्स। आज दोनों तरफ के फैंस का जमघट लगा है और मैं भी यहाँ जम गया हूँ। सबकी जुबान पर आज यूनाइटेड का नाम है। महान आयरन टैंक के पास भी ऑटोमेटिक के थ्रो का कोई जवाब नहीं था। क्या सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स कुछ अलग कर पाएंगे? गेम शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान तो बिल्कुल ही साफ है। बस बॉल को आउट करो और उसे ऑटोमेटिक के हाथों में सौंप दो। शॉ और ब्लॉक बड़ी ही अजीब सी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तुम्हें एक प्लेयर को मार्क करना होगा। हाँ, हम दोनों को भी ऐसा ही लगता था। आई होप तुम दोनों जानते हो तुम क्या कर रहे हो। और अब लोग वो आया, वो खतरनाक लॉन्ग थ्रो। यकीन नहीं होता। यकीन करो, उस खतरनाक थ्रो को रोक दिया गया है। बहुत खूब। ब्लॉक और शॉट कमाल का खेल रहे हैं। पर एक गेम जीतने के लिए सिर्फ डिफेंस करना काफी नहीं होता ब्रेंडा। सही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेनल्टी शूट आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, डटे रहना, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। दोस्तों, वो अपनी गोली को आगे ला रहे हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेयर, इससे तो यूनाइटेड का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। पर हमें इससे मौका मिलेगा काउंटर अटैक करके गोल करने का। हाँ, अगर हम बॉल वापस हासिल कर पाए तो। और वो भी जल्दी। तो कोई आइडिया है क्या? तुम श्योर हो दोस्त? ये आइडिया बहुत रिस्की है। रिस्क नहीं, इस गेम का आखिरी मौका। क्या गोली के आने से फर्क पड़ेगा? पैसे उसे देखकर सुपर स्ट्राइकर्स डर तो गए हैं। शॉ और ब्लॉक आखिरकार प्लेयर मार्किंग कर रहे हैं। और ये आया ऑटोमेटिक का लॉन्ग शॉट। क्या थ्रो है! ब्लॉक क्या कर रहा है? उसने तो बॉल को सीधे अपने ही गोल में भेज दिया। क्या ये सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान था? इसे कहते हैं रिस्क लेना। तुम कितना तेज दौड़ सकते हो? पीछे चलो, सब लोग पीछे चलो। क्या किक मारी है! सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरी पल में कमाल कर दिखाया। वैसे लगा तो था कि गोली कमाल कर दिखाएगा, बस समझ नहीं पाए थे कि कौन सा गोली। तो दोस्तों, आज ये साबित हो गया, डिफेंडर्स और फॉरवर्ड्स तो कुछ नहीं, गोलकीपर्स असली कट्टर होते हैं। हे, सब हंस क्यों रहे हैं? क्या खाक काम आए आपके वो 3 कदम विंस? मैंने कभी नहीं कहा था कि सिर्फ 3 कदम हैं। अच्छा, तो अब क्या? अगर किसी को हरा ना सको तो उनके जैसे बनो। कौन है, क्या काम है मुझसे? ओ,
बस आपके एक्स स्टूडेंट्स। हॉट शॉट्स। तुम्हारे उस मूव जितनी रिस्क की चीज मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या आप अपनी खुद की सलाह मानकर अब से असली हेडर ट्रेनिंग ही देने वाले हैं? रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं, राइट? हाँ, चलो अब तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं हेडर ट्रेनिंग। सर, सर, आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या ये जगह पार्किंग के लिए सही नहीं है? सही नहीं, आपने लॉन पर पार्क की है। सॉरी, मैं अपने खास पल के लिए लेट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज काफी सारे काबिल विनर्स हुए हैं, पर अब वक्त है सबसे बड़े इनाम का, जिसका कोई जवाब नहीं, वो है गोल्डन बूट। मैं ठीक अपने अवार्ड से पहले पहुंच गया। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए फाइटर। हाँ, सिर्फ 2 घंटे लेट। अवार्ड सेरेमनीज कितनी बोरिंग होती हैं। हाँ, तुम ऐसा ही सोचते रहो शेख, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी जब मैं जीतूंगा वो गोल्डन बूट। और नॉमिनीज हैं, तैयार हो जाओ। रियानो बारका एफसी से, फाइटर सुपर स्ट्राइकर से, स्कारा इनविंसिबल यूनाइटेड से, और शेख सुपर स्ट्राइकर से, और विजेता है शेख। मैं जानता था मैं ही जीतूंगा। तुम नहीं जीते। क्या? हाँ? बधाई हो मेरे दोस्त, पर अगले साल मैं तुम्हारे लिए इसे जीतना मुश्किल कर दूंगा। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ दोस्त। एक बार फिर तुम्हारी टीम ने तुम्हें ये ट्रॉफी दिलाई। वैसे शायद तुम्हें भी कभी कभी अपनी टीम को खेलने देना चाहिए, इससे ट्रॉफी जीतने में मदद मिलती है। ओह प्लीज, जरा इन्हें देखो। अगर मुकाबला सिर्फ हम दोनों में होता तो मैं हर बार जीतता। अफसोस, सबसे बड़े चीटर का कोई अवार्ड नहीं है, क्योंकि वो हर बार तुम्हें ही मिलता। वाह दोस्तों, पहले सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले सीजन की लीग को जीता, और अब ये। अपनी टीम के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तुमने सुना ना, वो मेरे बगैर ये नहीं कर पाता। Well, anyway, thanks दोस्तों, मुझे अगले सीजन में इससे भी बड़े चैलेंज का इंतजार रहेगा। अगले सीजन का इंतजार क्यों करना शेख? मिस्टर शेख, ये क्या है? डियर शेख, मिस साल्टिवो तुम्हें इनवाइट करती हैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक बड़े ही अनोखे फुटबॉल चैलेंज के लिए। कम ऑन, तुम्हें गोल्डन बूट मिला और साथ ही गोल्डन खत भी, ये तो नाइंसाफी है। मिस्टर फाइटर, अब ये हुई ना कुछ बात। डियर फाइटर, आपकी कार टो कर ली गई है। तुम सच में उस आइलैंड पर जाने की सोच रहे हो शेख दोस्त? वैसे मुझे अच्छा लगेगा कुछ अलग सा करना, पर फिर तुम कैप्टन रास्ता के घर पर होने वाली शानदार दावत में नहीं आ पाओगे। वो धूप में आराम करना, मस्त मस्त म्यूजिक सुनना, और कैप्टन के लजीज दावत के लजीज खाने का जी भर के मजा उठाना। एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है दोस्त। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो क्या है स्कारा? मेरा बदला। हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं, आपका स्वागत है अल्टीबो के आइलैंड पर। वो हाय शेख। क्या फाइटर, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मेरा इनविटेशन जरूर पोस्ट में खो गया होगा। मजाक मत करो शेख। शेख, हाय दोस्तों। शेख, कैसे हो? वेल वेल वेल, मिस्टर गोल्डन बूट खुद आए हैं। देख रहा हूँ तुम अपनी आया को साथ लाए। कोई आता है तो उसे आया हुआ ही कहते हैं।
और बोलने से पहले सोचना चाहिए वरना हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता, जब से हम आए हैं हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। शायद हमें यहाँ पर अकेले मजे करना है। जेंटलमैन, मैं तुम सबको इससे भी ज्यादा कमाल का ऑफर देना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, एक शानदार ट्रॉपिकल आइलैंड जिसे बदला गया है एक अद्भुत टेस्टिंग ग्राउंड में अल्टीमेट फुटबॉलर्स के लिए। ड्रिबलिंग, बैलेंस, स्टैमिना, यही सही मौका है अपने हुनर को परखने का अपने सबसे बड़े ओपोनेंट्स के सामने। फिर आखिरी बचे दो खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करेंगे अल्टीमेट फुटबॉल शोडाउन में। और हम भला तुम्हारे इस टूर्नामेंट में क्यों खेलें? हाँ, इसमें हमें क्या मिलेगा? एक मौका ये पता लगाने का कि तुम में से कौन है तुम्हारी जेनरेशन का सबसे महान प्लेयर। पर अगर तुम में से किसी को ये चैलेंज मंजूर नहीं है तो मेरे प्लेन्स तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ, तुम सब लूजर्स अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ, मैं यहीं रुकूंगा और जीतूंगा। बिल्कुल भी नहीं स्कारा। तुम्हें रुकना होगा शेख, मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि मुझे वो गोल्डन बूट क्यों मिलना चाहिए था। ठीक है, मुझे मंजूर है। ओ, मुझे माफ करना फाइटर, मेरा टूर्नामेंट सिर्फ अवार्ड विनर्स के लिए ही है। हाय रे किस्मत, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर क्यों नहीं लेते? वहाँ तुम्हें एक गिफ्ट बैग भी मिलेगा। गिफ्ट बैग? वो मेरा ही होगा। और तुम सबके लिए मुकाबला शुरू होता है। गुड लक, मैं तुम्हें फिनिश लाइन पर मिलूंगी। अगर तुम तब तक टिक पाए तो। छुट्टी का मजा लेने के लिए तैयार हो ना शेख? हाँ, काश कि मैं अपने स्विमिंग ट्रंक्स लाया होता। कभी कभी फुटबॉल से ब्रेक लेना अच्छा लगता है। हाँ तो अब सुनो गेम प्लान, शौक खाने पर नजर रखो। मेरी पूरी नजर है कैप्टन। जो तुम खाना अच्छी तरह से पकाओ। समझ गया दो। टाइगर तुम थोड़ी जगह बनाओ वहाँ बीच में। वही कर रहा हूँ। और फाइटर तुम? फाइटर? फाइटर कहाँ है? वो शायद लेट हो गया है। फिर से दोस्तों तुम जरा ये देखो, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा टीवी कभी नहीं देखा है। कितना सुहाना दिन है क्लाउस दोस्त, तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? पर इस टेलीविजन में 3D है। बाहर सब 3D है। हाँ, पर क्या बाहर एक बिल्टिंग कैरियो के फंक्शन है? जान बचा कर भागो दोस्तों। तुम ना गिरना ना फिसलना जरा संभलना, जंगल में मुश्किल होता है बच निकलना। रास्ते से हटो छुटकू कहीं के। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही लीग में जीत गए हों, पर जंगल में रहने के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे बेकार आइलैंड पर तो हम आयरन टैंक वाले रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी मुश्किल है। हाँ, और खतरनाक भी। रेस हो जाए। दोस्तों वो देखो। तुम कहोगे और हम सब देख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो देखो। ना गोल्डन बूट, ना गोल्डन टिकट, और अब मुझे वीआईपी लाउंज भी नहीं मिल रहा है। क्या जिंदगी है? स्टेशन वन, जंगल वाला चैलेंज बस खत्म होने को है। बहुत अच्छे। स्टेशन टू, खंबू वाला चैलेंज पूरी तरह तैयार है।
उनसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज तो यहाँ पर वीआईपी लाउंज ढूंढना है। उस वीआईपी लाउंज का मिलना तो नामुमकिन लग रहा है। स्कारा, बदमाश, तुमने लिक्विड को क्यों निकाल दिया? तुमने बहुत गलत किया। तुम लूजर्स हाथ पकड़कर दोस्ती का गाना गाओ और मैं यहाँ जीतने आया हूँ। दोस्तों, हमारे सामने एक मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत। रखना है बॉल को खंभों के ऊपर और गिर गए अगर तो खो जाएगी तुम्हारी डगर। क्या तुम सबने वो सुना? क्या सुना? एग्जैक्टली, ये बहुत ही गहरी खाई है। मुझे दो। तुम हमारे साथ मिलकर खेलोगे? बस बॉल पास करो। शक नहीं। हाँ, पता है तुम क्या कहोगे, मैं बहुत बुरा हूँ। अब तुम में से मैं किस लूजर को ठिकाने लगाऊं? मिल गया। स्कारा, अफसोस कि तुम एलिमिनेट हो गए। दर्शकों को तुम्हारी और शेख की लड़ाई में मजा आ रहा था। दर्शक? कौन से दर्शक? तुम थे हमारे बिल्कुल नए रियलिटी शो फुटबॉल आइलैंड में। खंबो वाले मुकाबले में स्कारा हारा, शेख जीता। अब 4 सुपरस्टार्स बचे हैं, पर सिर्फ 2 ही वोल्केनो शोडाउन में हिस्सा ले पाएंगे और सिर्फ 1 को ही मिलेगा फुटबॉल आइलैंड के बादशाह का ताज। तो ये सब कुछ नकली है? मैं इसे कहती हूँ सोची समझी असलियत। अब तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर ले लो। और शेख को जीतते हुए देखूं? अरे छोड़ो, मुझे इस आइलैंड पर एक पल भी नहीं रहना है। डूड, खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। भूख लगी। इतनी जल्दी नहीं, बस कुछ और मिनट दोस्त। मैं चाहता हूँ कि ये सब अच्छी तरह से पके। दोस्तों, जल्दी यहाँ आकर ये देखो। हे क्लाउस, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें गाना गाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, तुम सबको यहाँ आकर ये देखना ही होगा। देखो, शेख टीवी पर है। उसका बड़ा सीक्रेट अद्भुत टूर्नामेंट है। एक सेलेब्रिटी रियलिटी शो। रियलिटी शो बकवास होता है, उसमें सब नकली होता है, पहले से तय किया हुआ। चलो दोस्तों, बाहर खाना हमारा इंतजार कर रहा है। और होगा वो जानदार खिलाड़ी जो पहुंच पाएगा वोल्केनो इन्फ्लेमो तक। एक यादगार आखिरी मुकाबला धधकते लावा के ऊपर। कुछ मिनट तो देख ही सकते हैं। क्या ये वीआईपी लाउंज है? सोफा तो काफी नर्म है, पर आसपास की डेकोरेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही, और गिफ्ट बैग भी नहीं है। हाँ? प्लीज, ओ प्लीज, मुझे वो वीआईपी लाउंज कभी नहीं मिलने वाला। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। तुमने कोई अवार्ड नहीं जीता है ना? हाँ, सिवाय सुपर लीग ट्रॉफी के। तुम भूल गए क्या? हाँ ठीक है। हाँ? ये यहाँ पर क्या है? अब तुम लूजर्स को दिखाता हूँ कि असली रियलिटी क्या होती है। We'll be right back.
चलो पार्टी शुरू की जाए। निकम्मे हो। मिस अल्टीवो, हमें गड़बड़ की वजह का पता चल गया। ऑक्सिलरी कंट्रोल रूम 3। स्कारा, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, मेरे पास उससे बेहतर आइडिया है। अगर दर्शकों को एक हीरो से ज्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वो है एक बुरा बुरा विलन। वोल्केनो फुटबॉल हम आ रहे हैं। पता है ना, मैं तुम्हारा डट कर सामना करूंगा मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो दोस्त। शेक और रियानो आखिरी चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि उनके हमें कोई रुकावट डालने वाला है। क्या स्कारा? डूड, कहाँ था ना सब नकली होता है, वरना स्कारा अभी वहाँ कंट्रोल रूम में क्यों होता? अगर मैं नहीं जीतूंगा तो कोई नहीं जीतेगा। ये छुट्टी तो कमाल की रही है ना शेर? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे दोस्त, शायद इस बार फिर तुम आगे निकल गए। नहीं। तो इसका मतलब शेर जीत गया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये काफी अच्छा है रियलिटी टीवी होते हुए भी। क्या काफी अच्छा? इससे अच्छा तो मैंने और कुछ भी नहीं देखा है। वाव, पता है मुझे तो उस वॉल्केनो के धुएं की स्मेल भी आ रही है। ओ नो दोस्तों, मेरा खाना। ठीक है, सब हो गया ना अल्टीवो? रियानो आउट है, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। बदल गया है शेक। ये गलत है। तुम टूर्नामेंट में वापस कैसे आ गए? एक मिनट, मैं समझ गया, तुमने चीटिंग की। अफसोस, शिकायत करने के लिए रेफरी नहीं, तुम्हें बचाने के लिए कोई टीममेट्स नहीं और बच निकलने के लिए कोई सुपर लीग रूल्स नहीं। अब हम देखेंगे सच में सबसे अच्छा कौन है। ये तो वाकई कमाल है, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। चलो खेल शुरू किया जाए। हारने का वक्त आ गया शेख। अब असली चैलेंज हो जाए, ठीक है? तुम हारे शेख, तुम चाहे कितनी भी ट्रॉफीज क्यों ना जीत लो, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हम दोनों में मेरा कोई जवाब नहीं। उसे छोड़ना मत। मैं नहीं देख सकता। अब पूरी दुनिया देखेगी कि गोल्डन बूट का असली हकदार कौन है। आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? बड़े ना समझो, ये सब कुछ नकली है। तुम रियलिटी टीवी पर हो शेख, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। क्या शेख? अगर हम टीवी पर हैं, तो तुम्हारी टीआरपी अब बहुत नीचे गिरने वाली है। क्या? नहीं। ये भी वीआईपी रूम नहीं है। मैं कभी नहीं जीत सकता। फाइटर जीत गया। वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गया? मुझे नहीं पता मिस अल्टीवो, उसे तो अभी वीआईपी रूम में होना चाहिए था।
उन्होंने जंगल का सामना किया, खाई पर संतुलन बनाए रखा, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया और एक वोल्केनो पर ही जी जान से खेले। पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी में वो हुनर, बहादुरी और हिम्मत थी जिससे वो बना सबसे पहला चैंपियन फुटबॉल आइलैंड का। मुझे हमेशा से यकीन था मैं ये कर लूंगा। ये फुटबॉल आइलैंड क्या है? मेरी सॉरी प्लानिंग, मेरी वो सारी मेहनत। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती मिस अल्टीवो, आखिर ये रियलिटी टीवी है। जाओ यहाँ से। बेवकूफ कहीं के, तुमने उसको जीतने दिया, उसको तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। तुम रेफरेंसेस की शिकायत क्यों नहीं करते? ओ एक मिनट, वो तो यहाँ है। डूड कैसे हो? मुझे खुशी है तुम ठीक हो दोस्त। मुझे भी मेरे दोस्त। तो इस फुटबॉल आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वैसे हमें थोड़ी ना रोज एक वोल्केनो के ऊपर खेलने का मौका मिलता है। तुम सबको देखकर मुझे घिन आती है। मैं वीआईपी लाउंज में जा रहा हूँ। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा गिफ्ट बैग कहाँ है? पर उसके पास तो एक गोल्डन टिकट थी भी नहीं। मैंने कहा था ना नकली। क्या वो एंडिंग में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहते थे? हाँ, वो ट्विस्ट ये है कि हमने अपनी दोपहर वेस्ट कर दी। कम से कम हमारे पास अब भी वो लजीज खाना तो है। रियलिटी टीवी बकवास है। मैंने कहा था एकदम ही बकवास। सुपर स्ट्राइकर्स ने दो गोल कर लिए हैं और गोली लोग कब से बिना कुछ किए ही खड़ा है। नकामा अभी सुपर स्ट्राइकर्स के इलाके में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा, वहाँ ब्लॉक है। पर अगर उसने टैकल को नहीं संभाला तो पेनल्टी पक्की है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लॉक सुपर लीग का सबसे ईमानदार टैकलर है। बहुत अच्छे ब्लॉक। बहुत मजा आया। सब ध्यान से सुनो, पता चला है रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जीबिशन अगले हफ्ते होने वाला है प्रोफेसर। और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें, इसीलिए मैंने बनाया है एक रोबोट। तुम में से किसी का? जरूर जो का होगा, उससे अच्छा रोबोट डांस कोई नहीं कर सकता। वो मेरा ही होगा। जब महान फाइटर यहाँ है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने। लोपेश है रोब्लॉक। क्या बात है। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। टोनी, आप इस टिन के डिब्बे को हमारे साथ क्यों लाए हो? क्योंकि एक यही है चिप्टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है। मतलब गेम सुपर स्ट्राइकर्स के साथ? चिप और तुम सब में एक और अलग बात यह है कि ये वाकई में चीजें सीख सकता है। मूवी स्टार को कॉपी करो। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। मैं कुछ समझा नहीं टोनी। ये मुझे जिताएगा रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट में इनाम। आयरन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स हैं। फाउल नहीं, खेलते रहो, फाउल नहीं, खेलते रहो। और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रैंड प्राइज जाता है यस यस रोब्लॉक। ब्लॉक, एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए? चाहो तो मैं ट्रांसलेट करूं। मैं ब्रिजलोवियन सीख रहा हूं। मुझे अपने रोबोट ट्विन के बारे में बताओ। ब्लॉक जोगर, क्या ब्लॉक रोल? दरअसल शरीर से रोब्लॉक मेरी एक हूबहू नकल है। वो उस रोबोटिक बुद्धू को कैसे इनाम दे सकते हैं? वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है। तो ये फुटबॉल कैसा खेलता है? मुझे नहीं पता। प्रोफेसर कहते हैं कि रोब्लॉक के खिलाफ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रोलिक से। कही तो ये स्ट्राइकर लैंड में क्या काम करेगा? स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग की सबसे महान टीम का। एक टूर गाइड,
तुम्हारे मुताबिक इस हफ्ते कौन जीतेगा, सुपर स्ट्राइकर्स या टेक्निकली? मेरे ख्याल से अगले गेम में सुपर स्ट्राइकर्स की ही जीत होगी। ओह अच्छा, ब्लॉक अभी मुझे पूरी तरह से ब्रिजलोवियन भाषा नहीं आती है, पर अगर मेरी मानो तो लीना, मुझे बस एक गोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा। अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूंगा तब ना, ब्लॉक को कॉपी करो ब्लॉक। ब्लॉक अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के डिब्बे में डालने का। रुक जाओ, रोबोटिक्स का पहला नियम, पानी मना है, पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा। पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वो टेक्नोलॉजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी, अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। ओ पानी, रोबोट को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ जाओ चिप जाओ। रोबोटिक्स एंड फुटबॉल एग्जिबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो अब तक ना कुछ देखा था ना ही किया था। प्रोफेसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था। अगर देखा जाए तो मुझ जैसा अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता। बहुत गलत हुआ। स्मगल फ्लेयर, सारे रोबोट पार्ट्स हटा दो, एंटिन के डिब्बों को कबाड़ खाने भेज दो। बात बन गई। और जब तक सुपर स्ट्राइकर्स को एहसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम जख्मी हो चुकी होगी। चलो अब रोबोटिक्स एग्जिबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकली वाले गेम पर असर हो। अब काम शुरू करो। ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ। हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेलकर। तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे। तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग लग रहे हो। मैं वहाँ ट्रेनिंग करता हूँ जिससे मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। सुपर स्ट्राइकर्स रोबोट से जख्मी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्स नहीं। जॉन जे जॉनसन जूनियर। हाय टोनी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की है। ओह, वो क्या है? भागना। उसमें क्या, फुटबॉल खेलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है। उनका मतलब है अच्छी तरह भागना। मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। क्या इसमें खतरा नहीं होगा? फील्ड पर रोब्लॉक होगा तो सुपर स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकली को मिलेंगी पेनल्टी किक्स। मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रोबोट ब्लॉक। अब देखो कैसा कमाल होने वाला है। स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग ट्रॉफी का। अब अपना टूर शुरू करते हैं। ठीक है बॉयज, आज के लिए इतना काफी है। अब ब्लॉक बनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो।
ए ब्लॉक, आ रहे हो? शूट रिलैट। हाँ, ब्लॉक को कुछ हुआ है? उसका खेल अजीब है, बोली अजीब है। वैसे शेख मेरे दोस्त, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोवियन के एक्सपर्ट हो। हाँ दोस्त, तुम तो सीख रहे हो ना? कैसेट टेप्स। हाँ, ब्रिजलोविया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। गर्बल जर्क्ट ग्लार्क बजॉर्क, अब तुम ये कहो। गर्बल जर्क्ट ग्लार्क बजॉर्क, हाँ मुझे याद है। अब कहो जर्क मगर्ब ब्लर्गल स्ट्रगल ब्रगल स्ट्रगल। ठीक है, टेप छे। हाँ, अजीब है, 6 से 9 की टेप्स कहाँ हैं? क्या तुम तैयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखिरी लेवल के लिए? चलो शुरू करें। रॉरल ग्लैड जुजांगल क्रैब ब्लू चुराज बर्कल। रॉरल ग्लैड जुजांगल क्रैब ब्लू चुराज बर्कल, पता है। मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है, तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है? अब आगे। टेप्स। ब्लॉक 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 ब्लॉक। स्ट्राइकलैंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना। स्ट्राइकलैंड में मैच का दिन आ गया है। आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ही सकते हो। सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छे फॉर्म में हैं, पर चकती चिपरसन भी तैयारी के साथ आया है। ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा मैच। वो तो खेलेगा ही ब्रेंडा, वो भरोसेमंद है, हमेशा सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए हाजिर रहता है। और ब्लॉक, तुमसे बात करनी है। जर्गल पर्पल ग्रब नरोजल ग्रुलॉक ग्रुग्रुलॉक फॉर बम्बल। कह रहा है कि हाल ही में इस पर काफी प्रेशर रहा है। वाव शेख, तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकई सुधर गई है दोस्त। बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक, मुझे पता है कुछ हुआ है, तुम्हारा गेम, तुम्हारी ब्रिजलोवियन, लगता है जैसे तुम कोई और ही हो। ग्रुसल ब्लॉगर रैप्सिको। क्या कहा तुमने? ग्रुसल ब्लॉगर रैप्सिको। हाँ, 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 तुमने मेरी टेप्स ली थी, पर तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम रो ब्लॉक हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम सबको चोट पहुंचाओगे। रोब्लॉक, मेरी बात सुनो। प्लीज टूर के दौरान अपनी चीजों का ध्यान रखना ना भूलें। और अब आ रहा है पिछले हफ्ते का मैन ऑफ द मैच ब्लॉक। वो एक मशीन है ब्रेंडा। हाँ, मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। क्लाउज, तैयार हो जाओ। ईगल आई, क्रिस, शेख को ले आओ। ओह, मुझे क्या करना है? सीधे ब्लॉक की ओर भागना है। ओह, हाँ। और गेम शुरू हो गया। क्या बात है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता। वो टेक्निकली वाले ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपना नंबर वन स्ट्राइकर तो भेज देते। ब्लॉक तो ऐसा नहीं था। Yes! मेरा मतलब वो क्या था? ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। ठीक से खेलो ब्लॉक, ऐसा फिर से किया तो तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। शेख, शेख, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहाँ चला गया? और
लो आपका अच्छा डिफेंस। आज का खेल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। लॉक एक ईमानदार खिलाड़ी से एक भयानक आतंक बन गया है। रेफरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला येलो कार्ड। वो अपनी सालों की रेपुटेशन बस एक ही गेम में बिगाड़ रहा है। प्लीज दूर मत जाइए। क्या किसी को रेस्टरूम जाना है? सीढ़ियों से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और फिर सीधा। अब आगे आएगा स्ट्राइडर लैंड स्पा, है ना ये असली लग्जरी? चलो दोस्तों, सभी अच्छी चीजों का अंत होता ही है। आपको और देखना है, आइए हमारे इस कमाल के टूर के आखिरी हिस्से में। और इस डिफेंडर के लिए मामला और बिगड़ गया है, टेक्निकली को मिली पेनल्टी। ब्लॉक को जल्द ही ठीक से खेलना होगा वरना उसे निकाल दिया जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है स्ट्राइकर लैंड गैराज। ने पहला गोल बना लिया और इसकी जिम्मेदार है ब्लॉक की बेहद ही खराब परफॉर्मेंस। किसने सोचा था ऐसा होगा? पहले हमारा स्ट्राइकर गायब हुआ, अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गायब हो गया है। शेख, किसी को पता ना चले मैं यहाँ अंदर हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रूप ब्लॉक है। हाँ, और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ। उसी ने मुझे यहाँ डाला। अगर उसे पता चला तुम सच जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा। तुम कैसे भी उसे यहाँ से भेज दो। ब्लॉक, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ओ, मुझे पता है क्या कहा। ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है, है ना ब्लॉक? वैसे तुम कब से ब्रिजलोवियन बोलने लगे? मैं तो नाइट क्लासेस जा रहा हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रो ब्लॉक है। क्या कह रहे हो तुम? वो खतरनाक टैकलिंग, अजीब सी भाषा, अकड़ भरी चाल। चलो अभी पता चल जाएगा मैं सही हूँ या गलत। वो कैसे शेख? रोबोट्स नहाते नहीं हैं। अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर सबसे बेहतरीन गाड़ियां ही चलाते हैं। लो, वो रहा हमारा टूर गाइड। किसी ने रोबोट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है। शेख, तुम सही थे दोस्त, पर ब्लॉक कहाँ है? ब्लॉक छोड़ो उसे। ब्लॉक ये कह रहा है हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए वरना हमें हार माननी पड़ेगी। ब्लॉक, फिक्र मत करो, ये उसे संभाल लेगा। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बदला नहीं। लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। ब्लॉक, तुमने कर दिया। शायद
सेकंड हाफ शुरू होने जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा थककर खेलना होगा। वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेजना चाहिए था, वही तो उन्हें हरा रहा है। लग रहा है ब्लॉक का जॉन जे जॉनसन जूनियर को पूरी तरह सक्रिय करके ही रहेगा और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड। ये हुई ना बात, ये है असली ब्लॉक। जानदार, शानदार, ईमानदार। मैं ज्यादा ही होशियार हूँ, मेरा इन्वेंशन तो लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सीख गया। सॉरी टोनी, तुम गलत हो, कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता। नर्गल जोटल, ग्रब ब्लॉक जोगल। नहीं नहीं, और ब्लॉक ने पास किया कैप्टन रास्ता को, और जो की बेहतरीन किक, और फाइटर ने किया गोल। एक और गोल। वाह, गेम की क्या रुख बता है। फर्स्ट हाफ में ब्लॉक को जो भी तकलीफ थी वो अब जा चुकी है। क्या बात है दोस्त, और तुम्हारा वो डरावना ट्विन कहाँ है? मैं किनारे पर लटक रहा था, रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा नया रोबोट दोस्त। और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखिरी हिस्सा। टड़ा, रुचराज बगल, शायद अगली बार प्रोफेसर को मुझ जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोट्स ही हैं?